नमस्कार। 24x7 न्यूज़ से मैं वीरेश तिवारी लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ यूपी कांग्रेस कमेटी के लखनऊ कांग्रेस कमेटी दफ्तर से। हमारे साथ जुड़ेंगी जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ नगर से रंजना मिश्रा जी। तो हम बात करेंगे रंजना मिश्रा जी से हाथरस कांड के ऊपर। जो हाथरस में हमारी बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उनके हाथ पैर को सुलझा तोड़ी गई, उसका अस्पताल में मौत हो गया, ये हमारे देश के लिए बहुत निंदनीय है। आज समाज में हम लोगों के बेटी और महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए, आज प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अमुख है, ये हमारे बहनों के साथ और बिटिया के साथ उदासीन है और दोषियों को के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको कुछ लोग निराधार बताते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बिटिया सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा तो अफसोस यह है कि जिन बलात्कारियों ने मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया, उनको मारे पीटे, उनकी हड्डी पसलियाँ तोड़ी, इसके अलावा जब उसकी मौत हो गई तो सरकार ने उसके परिजनों को लाश तक नहीं दिया, उनके मुँह को देखने नहीं दिया। उसके भाई ने आरोप लगाया, उसके बाप ने आरोप लगाया कि मेरे बिटिया का लाश था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता है। तो ऐसी सरकार, आज इनकी सरकार में बलात्कारी घूम रहे हैं, गुंडे घूम रहे हैं और उनका कोई प्रोत्साहन नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज पूरा देश एक बेटी की दर्द भरे उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हमारे केंद्र सरकार और यूपी सरकार से आवाज हमेशा ये उठाते थे, एक ये लोचा देते थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन हम तो सीधे जानते हैं कि इनका ये जो नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये इसके विपरीत काम करना ही उचित समझे। अभी हाथरस में जो कांड हुआ कि मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, नरसिंह हत्या हुआ उसका, उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसके अंतिम संस्कार को भी नहीं कर पाए, नहीं देख पाए। ये कहते हैं कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन जब हमारे प्रिय देश की सारी सीता इस तरह से बर्बाद हो जाएंगी तो ये फिर उस जगह पे धर्म का नाम क्यों लेते हैं? और कहते हैं कि बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना है। हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं कि ये बेटी पढ़ाने की बात नहीं, ये बेटी बचाने की बात नहीं करते हैं। इनका सीधा सा फंडा है कि महिलाओं पे जितना अत्याचार हो सके उतना हम करें, इसमें इनको बहुत ही संतुष्टि मिलती है। यह दमनकारी सरकार जब से आया है तब से महिलाओं के साथ आए दिन उत्पीड़न होता है। एक दिन में कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 महिलाएं जो ऐसी हैं कि वो इस आगोश में चली जाती हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, वो जानबूझ करके जब इस तरह से घटनाएं होती हैं तो वो कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। इन्हें यह नारा एकदम खत्म करना चाहिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम तो अब पूरी तरह से सजग हो चुके हैं कि हम अपनी बेटियों को अभी या तो ऐसा करें कि मुझे बेटी को पढ़ाना ही नहीं है, बेटी को जब मैं पैदा ही नहीं करूँगी तो बेटी को पढ़ाऊंगी नहीं। आज सरकार मुझे लगता है कि इस नारे के बिल्कुल विमुख है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अब्दुल सलाम खान जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे और ये हमसे हाथरस कांड के ऊपर अपनी राय रख रहे थे। इनको क्या लगता है और ये क्या सोचते हैं ये हमें बता रहे थे। इसी के साथ में 24x7 न्यूज से वीरेश तिवारी, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।